few good evening wait let me just confirm whether the session is running smoothly then we'll begin with the session Yes. So the session is running smoothly right now. Okay, fine. So let us begin with the class. Hi, hello everyone. My name is Ashna Sisodia. I'm a verified educator at an academy in the UPSC category. Okay. So I have taught so many courses on my free platform. You can. Uh, go to my profile you just have to search ashna sisodia on the unacademy website and there you'll be able to access many good courses like uh, i have created a very good course on the map section if you are weak in map if you are weak in the geography part you can go through my course uh, for the beginners there is a module number 1 that is learning maps quickly in 25 lessons and then there is a module number 2 then apart from that i have also created another course that is on modern history you can uh, benefit from that course because uh, in a very detailed manner i have talked about that course so let us begin with today's class now before discussing this i would like to tell you that this is going to be for optional the subject is political science and international relation so let's begin with the class before discussing this, I would like to discuss the syllabus a little bit. Pura discuss kareinge, thoda sa syllabus discuss kareinge. The session is going to be in bilingual. Okay, it is bilingual. Hindi and English will be used by me because uh, in so many classes, the special classes that we have taken on an academy, there I have discussed this topic.

तो थोड़ा सा मतलब मैं देखूंगी भी कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं आल ऑल्सो गो फॉर इट ठीक है I'll it. तो लेट्स बिगिन विद इट इंग्लिश हिंदी इंग्लिश आई एम रियली सॉरी आई ट्राई टू डू इट इन बोथ द लैंग्वेजेस ठीक है यू आई ट्राई टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस सो दैट इवन दो स्टूडेंट्स हु आर फ्राम साउथ इंडिया यू नो दोज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस हिंदी लैंग्वेज अवेयर ऑफ दिस देन विल बी हेल्पिंग दैम ऑल्सो ठीक है सो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ठीक है दिस इज माई ऑप्शनल सो आई कैन गारंटी यू वन थिंग दैट वंस यू फिनिश दिस ऑप्शनल दिस इज गोइंग टू नॉट ओनली हेल्प इन योर ऑप्शनल पार्ट बट ऑल्सो इन रेस्ट ऑफ द पेपर्स वेन आई से रेस्ट ऑफ द पेपर्स रेस्ट ऑफ द पेपर मीन्स इन जर्नल स्टडीज पेपर नंबर वन In Journal Studies Paper Number 2 this is also going to help you. In Journal Studies Paper Number 4 which is the Ethics Paper. Apart from that, this was also helpful in Essay Papers. So, ab Essay mein kis tarike se helpful hai Last Year अगर आप 2017 का Paper देखो, मैं 2018 का Paper discuss नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन 2017 का अगर हम Paper देखें, तो उसमें Section Number A में एक Topic था directly, which was Non-Aligned Movement. इस पर आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो यू कैन ईजीली राइट अ वेरी गुड ऐसे ऑन दिस टॉपिक इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन सो फॉर दिस पेपर ऐसे पेपर ऑल्सो पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल इज वेरी वेरी गुड देर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग इन अदर जनरल स्टडीज एरियाज दैट इज वाई इट विल बी वाइज फॉर यू इफ यू आर गोइंग फॉर दिस सब्जेक्ट देर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग इफ यू आर गिविंग योर एफर्ट्स इन दिस सब्जेक्ट दिस विल हेल्प यू इन सो लाइक व्यू आर डिस्कसिंग थोड़ा सा सिलेबस में आपको बता देती हूं जब भी हमें पोलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल को कंप्लीट करना होता है तो हर एक ऑप्शनल में हर एक ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं देर इज पेपर नंबर वन एंड पेपर नंबर टू विद इन वन पेपर देर आर टू सेक्शन सेक्शन नंबर ए एंड सेक्शन नंबर बी सिमिलरली पेपर नंबर टू में भी ऐसा ही होगा सेक्शन ए होगा एक एंड दूसरा होगा सेक्शन बी तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर ए इस सेक्शन से है ठीक है दैट इज फ्रॉम दिस सेक्शन सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर ए में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें से हमने जो सबसे पहला टॉपिक उठाया है दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट जब भी आप अपना थ्योरी पार्ट शुरू करें दिस इज द थ्योरिकल थ्योरिटिकल पार्ट सेक्शन ए इज द थ्योरिटिकल पार्ट ठीक है एंड सेक्शन बी इज दिस वन पेपर नंबर वन सेक्शन बी थोड़ा डायनेमिका थियोरिटिकल भी है लेकिन डायनेरली दिस इज थोरी पार्ट एंड दिस इज वेरी डायनेमिक सेक्शन बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी डायनेट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन तो पेपर की जब भी शुरुआत करो मैक्सिमम ऑफ द पेपर आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना चाहिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अर लॉट बिकॉज इट इज स्टार्टिकर यू विल बी एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ द डेटा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो तो भी आपको यहाँ से बहुत फायदा होता है क्योंकि एग्जामिनर के पास में पूछने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चन एवरी टाइम आप पुराने पेपर पिछले दस साल के पेपर को एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि uh, काफ़ी ज़्यादा इसमें रेपिटेशन है ओके okay? तो सेक्शन नंबर ए का हमारा जो टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट उसमें हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला टॉपिक से ही शुरू कीजिएगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यू विल बी एबल टू नो द कोर आइडियाज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल थिंकर्स इफ़ यू नो द कोर आइडियाज़ तो फिर आपको हेल्प मिलेगी आपके जो थियोरिटिकल पार्ट है लिबर्टी जस्टिस व्हाट इज़ इक्वालिटी व्हाट इज डेमोक्रेसी वाट इज ह्यूमन राइट्स इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे बट आपको कुछ कोर आइडिया कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स का होना चाहिए ठीक है तो सम द स्टूडेंट्स आर आस्किंग नहीं कि मैं उनको अपना क्लास का टाइमिंग बता दूँ एटलीस्ट अपू दिस थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट जनवरी तक आज तो सिक्स थर्टी है क्लास बट फ्राम टमोरो लाइक टमोारो इज थर्टी एंड थर्टी फर्स्ट तो इन दिन में क्लास होगी एट नाइन ओ ठीक है नाइन ओ क्लॉक इन द इवनिंग फाइन अब बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की दैट इज प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हमारा सबसे पहला टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इज प्लेटो स्टार्ट करते हैं दिस इज माई नेम दिस दिस क्लास इज Taken by me, I'm Ashna सिसोदिया You can search me on An Academy website and you can follow all other courses that I've created so far for you guys in order to enhance your UPSC preparation. ठीक है <clears throat> तो सबसे पहले समझते हैं पोलिटिकल थाट को वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट को क्यों हमें पहले कवर करना है हमारे सिलेबस में दो चीज़ें हैं पहला तो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट एंड दूसरा है हमारे सलेबस में इंडियन पॉलिटिकल थाट सिर्फ ये पॉलिटिकल थाट्स हमें कवर करने हैं पहले हमेशा वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट कवर करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा पुराना है कम्पेरेटिवली ऐसी डिबेट है ठीक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट को पहले कवर करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थाट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे एम एन रॉय के हैं और गांधी के हो गए या फिर अम्बेदकर uh, के हो गए थाट्स वो सभी इन्फ्लुन्स होते हैं वेस्टर्न से ठीक है तो इट वुड बी बेटर फॉर आस टू कवर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट आफ्टर कवरिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल thought, यू कैन कवर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स देन इन द एंड यू कैन कवर इंडियन political thought. ठीक है यस दिस इज द ऑप्शनल क्लास Now वेस्टर्न पॉलिटिकल thought में देखो हिस्ट्री के बारे में आपको एक चीज़ पता होगी हिस्ट्री में क्या करते हैं हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं वेरियस सेक्शंस में जैसे हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है कि एंशियंट हिस्ट्री होती है ऐसे ही बोलते हैं कि एंशियट के अलावा मेडिवियल हिस्ट्री होती है मॉडर्न हिस्ट्री होती है सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री होती है ऐसे ही होती है आपकी आर्ट एंड कल्चर पार्ट हो गया उसको आप एक अलग से डाल देते हो या वर्ल्ड हिस्ट्री आप डाल देते हो ठीक है वर्ल्ड हिस्ट्री तो इतने सारे हमने सेक्शंस किए हिस्ट्री के ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के भी सेक्शन होते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन समझनी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट की देखिए जो स्टूडेंट्स पहले भी मेरी एक लाइव क्लास में ले रही थी कल मैंने ली थी उसमें कुछ एरर आ रहा था तो मैंने थोड़ा बहुत बताया था वहाँ पे अगर आपको ये चीज़ें पता हैं यू शुड बी वेरी काम अबाउट इट क्योंकि अभी हम दोबारा से उसको डिस्कस करेंगे एक अच्छा सेशन लेना है जो स्मूदली रन करे जो कि आपको बहुत ज़्यादा डेटा प्रोवाइड करे ठीक है जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको भी फ़ायदा होगा यहाँ से तो इसी तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को डिवाइड किया जाता है तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के तीन डिविज़न होते हैं दीज डिविजन्स आर एक तो होता है इंडियन एंशियंट पॉलिटिकल थाट एंशियंट पॉलिटिकल थाट देन नेक्स्ट इज मेडिवियल पॉलिटिकल थाट और होता है मॉडर्न पॉलिटिकल था एंशियंट पॉलिटिकल थाट में क्या आता है एंशियंट पॉलिटिकल था टॉपिक्स दैट आर इन आर सिलेबस इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर अंडर एंशियंट पॉलिटिकल थाट नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट अ लिटिल बेट ज़्यादा बात नहीं करनी है उसके बारे में बट थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए एंड दैट इज सॉक्रेटिस ठीक है सॉक्रेटिस कौन थे सॉक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे ही इस प्लेटो इनके टीचर हुआ करते थे तो ये जो थिंकिंग स्टार्ट हुई है ये सॉक्रेटिस से शुरू हुई है जितना भी कि पॉलिटी में होना क्या चाहिए सरकार किस तरीके से रन करनी चाहिए या राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए किस तरीके का जस्टिस होना चाहिए जस्टिस का आइडिया क्या हो ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ सॉक्रेटिस से स्टार्ट हुआ ठीक है तो सॉक्रेटिस से शुरुआत होती है बट इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है सिर्फ थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम प्लेटो के बारे में अच्छे से जान पाए सो वी हैव टू नो अबाउट सॉक्रेटिस only up to that extent that will be helpful for us in order to understand plato as a thinker then next is aristotle plato is the teacher of aristotle just like socrates is the teacher of plato plato is the teacher of aristotle so these are the topics that we have to cover in ancient political thought so ancient political thought may एक इम्पॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी रीजन आपको ये चीज़ याद रखनी है रीजन डोमिनेंट था रीज़न का मतलब होता है कि उनके पास में लॉजिक था ठीक है लॉजिकल बेसिस पे थ्योरी देते थे तो जब भी लॉजिक के थ्रू काम करेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज एमर्ज होकर के आएंगी और एंशंट पॉलिटिकल थाट में यही हो रहा था रीज़न डोमिनेंट था इसी की वजह से प्लेटो ने बहुत सारी थ्योरीज दी एट द सेम टाइम सोकर ने भी कुछ थ्योरीज दी लेकिन हमारे लिए थ्योरी ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है बस उनकी एरिस्टोटल ने भी थ्योरी दी अब इनका क्या नेचर है इनको कैसे कवर करना है इस पर हम बाद में बात करेंगे लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि एंशंट पॉलिटिकल थाट में हमें तीन चीज़ें कवर करनी है थोड़ा सा हमें सॉक्रेटिस के बारे में कवर करना है इसके अलावा प्लेटो एंड एरिस्टोटल सॉक्रेटिस आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इनका क्योंकि इन्फ्लुएंस है प्लेटो पर तो थोड़ा हमें जानना जरूरी है रीजन डोमिनेंट था ठीक है देन इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मेडिवियल पॉलिटिकल थॉट ठीक है मेडिवियल पॉलिटिकल थॉट में चर्च डोमिनेंट होगा यूरोप में चर्च का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जब जब भी चर्च डोमिनेंट होता है तो चर्च हर चीज़ में इंटरफेयर करेगा ठीक है हर चीज़ में इंटरफेयर करेगा तो चर्च की इंटरफेरेंस इसीलिए होगी इसीलिए हम इसको बोलते हैं एज ऑफ रिलीजन या फिर हम इसको बोलते हैं डार्क एज डार्क एज डार्क एज क्योंकि चर्च हर जगह इन्फ्लुएंस करता रहेगा ऑटोनॉमी नहीं होगी स्टेट के पास में जस्टिस का आइडिया डिसाइड करने के लिए ठीक है तो इस टाइम पे मडीरियल में कोई भी पॉलिटिकल थॉट नहीं था इसीलिए यहाँ पर हमें कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं पढ़ना होता और ऐसे ही हमारी सर्विस में कोई भी पॉलिटिकल थिंकर नहीं है गॉट इट तो ये समझ में आया पहला था रीज़न दूसरा है रिलीजन यहाँ रिलीजन डोमिनेंट है तो दो चीज़ें होती हैं एक तो होता है रिलीजन या तो आप रिलीजन के बेस पे काम करते हो या फिर आप रीज़न के बेस पे काम करते हो तो एंशेंट में रीज़न डोमिनेंट था और मडिवियल में रिलीजन डोमिनेंट भी था अब आपको याद होगा अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है आपको थोड़ा सा आइडिया हो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे देखिए समवन इज आस्किंग शिवानी इज आस्किंग कि टाइम पीरियड भी बताओ इसका टाइम पीरियड मैं आपको बताऊंगी प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों का टाइम पीरियड मिडीवियल एज शुरुआत हुई थी ये बात कर रहे हैं हम बिफोर कॉमन एरा से बिफोर कॉमन एरा से फिफ्थ सेंचुरी तक की ये है एंशियट पॉलिटिकल थाट ठीक है उस टाइम पे मेजर मेजर जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है शिवानी दिस इज एंशियंट दे मडीवियल का टाइम पीरियड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ सेंचुरी अप टू दिस सिक्सटींथ सेंचुरी ठीक है फिफ्टींथ और सिक्सटीन सेंचुरी क्योंकि उस टाइम पे चर्च डोमिनेंस में था उसके बाद आता है मॉडर्न मॉडर्न की शुरुआत हो जाती है सिक्सटीन सेवनटीन्थ मिड से इस सेंचुरी से स्टार्ट होती है एंड एट प्रेजेंट पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोला जाता है बट मॉडर्न की शुरुआत होगी आपकी 1950s तक चलेगा 1950 या 54 तक इस पीरियड को हम बोलते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का पीरियड ठीक है अब बात करते हैं मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी रीज़न और रिलीजन की अब मॉडर्न पे आ जाओ मॉडर्न में क्या हो रहा था यूरोप में क्योंकि इतना ज़्यादा चर्च का इंटरफेरेंस हो रहा था तो जब भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है ना तो लोग बहुत ज़्यादा वहां पर ग्रसित होते हैं लोगों को ये लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी जब ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई भी फ्रीडम नहीं प्रोवाइड किया जा रहा तो लोग अब चाहेंगे कि जो आइडिया रिलीजन का वो एक्सेप्ट कर रहे थे अब वो चेंज होना चाहिए तो उस टाइम पे यूरोप में सिक्सटींथ सेंचुरी में रेनाइसेंस आएगा यानी पुराना रीजन वापस आएगा फिर से ठीक है रीजन वापस आएगा तो जब रीज़न वापस आएगा और साथ ही साथ एनलाइटनमेंट होगी अब की बार मॉडर्न में फिर से रीज़न डोमिनेट करेगा रिलीजन से तो अब जब रीज़न आ रहा है जब लॉजिक आ रहा है तो थ्योरीज फिर से एमर्ज होंगी तो अब जब थ्योरीज फिर से एमर्ज होंगी तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल थिंकर आएंगे जो अपनी थ्योरी देंगे वो होंगे मैकेवेली मैकेवेली के बारे में भी हम आगे बात करेंगे देन नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर जो हमारे सिलेबस में है जो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंक थॉट का पार्ट है वो है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक रॉसू जे एस मिल कार्ल मार्क्स हमें ये सब कवर करने हैं इनके कोर आइडिया समझने हैं एट द सेम टाइम हमें साथ में ये भी कवर करना है दो टॉपिक और हैं इसमें एक है ग्राम्स की ग्राम्स की समथिंग इज रॉन्ग विद अ पॉइंट आई एम नॉट एबल टू राइट इट एफिशेंटली रियली सॉरी फॉर दैट पहला है ग्राम्स की और दूसरा लास्ट का हमारा एक टॉपिक है हैना अरेंट। हैना ठीक है तो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को थोड़ा डिवीजन अभी तक हमने समझा अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल थिंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी हम प्लेटो की बात कर रहे हैं कि प्लेटो से शुरुआत हुई थी लेकिन प्लेटो कौन से एरिया से बिलोंग करते थे ये जानना भी ज़रूरी होता है एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से एमर्ज हुआ है आज के टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड किसे बोला जाता है आज के टाइम पे टेल मी दिस थिंग वेस्टर्न वर्ल्ड किसे बोला जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड आज के टाइम पे यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज को प्रेजेंट किया जाता है द दीज आर दूर वेस्टर्न वर्ल्ड राइट तो उस टाइम पे पुराने टाइम की हम बात कर रहे हैं तो पुराने टाइम में जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो रिप्रजेंट करता था ग्रीस एंड इटली को ग्रीस एंड इटली को तो एंशियंट ग्रीस एंड एंशियंट रोम यानि ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहां से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत हुई है ठीक है उस टाइम के बाद क्या होगा धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी आएगी यूरोप में क्रिश्चियनिटी आएगी तो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करेगी सबसे पहले जर्मनी uh, में आएगी स्विट्ज़रलैंड में क्रिश्चियनिटी एमर्ज होगी स्प्रेड करेगी स्पेन uh, से पोर्चुगल से ब्रिटेन इन द दिक्कत सेंचुरी वाज वेरी मच यू नो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस क्रिश्चियनिटी, नीदरलैंड इस तरीके से सभी स्टेट्स में आएगी और बाद में हमें एक कॉन्सेप्ट दिखेगा कॉलोनियल पावर्स का जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश British, ब्रिटिशर्स आए थे कॉलोनी थी इंडिया ब्रिटिशर्स की तो ये अब जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होगा इस टाइम पीरियड में फिफ्टीन सेंचुरी के पास में अब वेस्टर्न वर्ल्ड को बोला जाता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनाइजेशन कर रही थी जैसे कि अफ्रीका में उनकी कॉलोनीज थी अमेरिका में थी एशिया में, में थी ये जो कंट्रीज़ थी इनको वेस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता था एटीनथ एंड नाइन्टीन सेंचुरी में यूरोपियन अलाइन नेशनस आएंगे जिसमें कि यूएसए एस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सभी वेस्टर्न वर्ल्ड रिप्रेजेंट करेंगे आगे आएगा कोल्ड वॉर के टाइम पे आपको पता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था नाइनटीन फोर्टी फाइव के आसपास और नाइनटीन तक जब तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है कोल्ड वॉर तब तक था तो नाइनटीन फोर्टी फाइव में दो पावर ब्लॉक्स थे पहला था यूएसए दूसरा था यूएसएसआर तो जो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ थी वो यूएसए और यूएसएसआर इन पावर ब्लॉक्स में अलाइन हो रखी थी दो पावर ब्लॉक्स में अलाइन थी कुछ कंट्रीज़ यूएसए के साथ में थी एंड कुछ कंट्रीज़ यूएसएसआर के साथ में थी सिमिलरली एक थर्ड पार्टी भी थी जो थर्ड पार्टी थी ये थर्ड पार्टी काफ़ी न्यूट्रल थी इस थर्ड पार्टी का नाम था नैम दैट इज नॉन अलाइंट मूवमेंट इट वॉज अ न्यूट्रल एंटिटी। नॉन अलाइंट मूवमेंट की लीडरशिप थी इंडिया के पास में

अब इसके बारे में तो हम डिटेल में बाद में बात करेंगे नाम कोल्ड वॉर ये सब हमारे पॉलिटिकल साइंस का डिटेल हमारा पेपर टू का पार्ट है ठीक है बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट अभी से फाउंडेशन में आपको बता ग्रीस से शुरुआत हुई थी यानी इस जगह से शुरुआत हुई थी ठीक है अब एक चीज़ आपको और जाननी जरूरी है कि देखो हम बात कर रहे हैं एंशियट पॉलिटिकल थाट की एंशियट का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी एंशियंट में एग्रीकल्चर मेन था देखो हिस्ट्री में अगर आप देखते हो तो एनशियट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है पहले नोमैडिक पीपल थे नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे फूड एंड अपने वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे दे यूज टू ट्रैवल फॉर द फूड एंड वाटर ठीक है दे यूज़ टू हंट ऑल्सो हंटर्स एंड गैदरर्स थे तो नोमैडिक हो गए ठीक है लेकिन बाद में जब एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हुआ तो एग्रीकल्चर के बाद उन्होंने सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया जब सेटल लाइफ स्टार्ट हुई है आफ्टर लीडिंग अ सेटल लाइफ बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर अब एक पॉलिटिकल आइटेंटिटी एमर्ज होगी क्योंकि अब बहुत सारे लोग एक ही प्लेस पे अगर रह रहे हैं तो उनको यू नो मैनेज करने के लिए एडमिनिस्टर करने के लिए एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी ठीक है तो अब जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी इमर्ज होकर के आएगी वो जो उस टाइम पे आइडेंटिटी थी वो थी मोनार की यानी राजा का रूल था ठीक है इट वॉज द रूल ऑफ द किंग मोनार्की इज दैट तो इस तरीके की चीज़ें थी अब हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल थॉट में स्पेशली इधर मतलब ग्रीस में हो क्या रहा था देखो ग्रीस में वे ऑफ़ लाइफ कैसी थी इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है व्हाट वाज द वे ऑफ लाइफ बाकी सब चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगी प्रीवियस स्लाइड्स लेकिन अभी इस पर फोकस करो क्योंकि सब शुरुआत ही एंशिएंट ग्रीस से हुई है एंशिएंट ग्रीस में भी डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट्स थे आपको गांधी का पता है गांधी के बारे में आई एम श्योर अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि गांधी चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह विलेज रिपब्लिक्स होने चाहिए गांधी वाज इन फेवर ऑफ डिसट्रलाइजेशन कि विलेज के पास में ऑटोनॉमी होनी चाहिए है ना तो गांधी का ये आइडिया था ही वांटेड विलेज रिपब्लिक तो जैसा गांधी का आइडिया था ऐसा आइडिया इन रियलिटी ग्रीस में एग्जिस्ट कर रहा था इन एंशेंट टाइम्स ग्रीस में बहुत सारे अलग अलग सिटीज हुआ करती थी वो ऑटोनोमसली रन कर रही थी जैसे कि एक सिटी थी एथेंस तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेटो प्लेटो एथेंस से बिलोंग करते थे सिमिलरली एरिस्टोटल भी एथेंस से थे जो मैंने आपको पहला टॉपिक बताया सोक्रेटिस ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम एथेंस ठीक है दूसरा स्टेट था स्पार्टस, स्पार्टस आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी देर इज़ अ मूवी थ्री हंड्रेड उस मूवी में भी स्पार्टास के ऊपर वो मूवी है है ना तो दैट रिफ्लेक्ट्स द एंशियट ग्रीस कल्चर तो स्पार्टास एंड एथेंस इस तरीके के बहुत सारे स्टेट्स थे आपको मैं दिखा देती हूँ एक मिनट मैप में ये देखिए ये ग्रीस है तो ग्रीस में एथेंस है दिस इज एथेंस एंड दिस वन इज़ स्पाटा ऐसे ही दूसरे सिटी स्टेट्स भी थे ठीक है तो इस तरीके के अलग अलग सिटी स्टेट्स होंगे ग्रीस में ये सभी ग्रीस से स्टार्ट हुआ है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो एथेंस में जो प्लेटो हैं वो एथेंस से बिलोंग करते थे तो जब एग्रीकल्चरल वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम था उस टाइम पे एग्रेरियन इकोनॉमिक सिस्टम था मतलब एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर ठीक है तो एग्रीकल्चर की वजह से जब आप एक सेटल लाइफ जी रहे हो तो वहां पर आएगी मोनार की तो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पर सिटी स्टेट्स थे वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन थी एथेंस में डिसेंट्रलाइजेशन खुद ऑटोनोमसली रन हो रहे थे ये ठीक है ये पॉलिटिकल सिस्टम था इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर पे बेस्ड था सोशल सिस्टम कैसा था जैसे इंडिया में एट प्रेजेंट कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है इंडिया में एट प्रेजेंट कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है ऐसे ही उस टाइम पे ग्रीस में क्लास सिस्टम था इंडिया में कास्ट सिस्टम में चार कास्ट होती हैं ठीक है फोर वर्नास ऐसे ही क्लास सिस्टम में ग्रीस में दो क्लासेस थी कौन कौन सी क्लासेस थी एक क्लास थी मास्टर्स एंड दूसरे थे स्लेव्स मास्टर्स एंड स्लेव्स आई एम श्योर अगर आपने मूवीज देखी हैं हॉलीवुड वाली आपको ग्रीस वाली जो पुरानी एंशियंट यू नो माइथोलॉजी टाइप्स कोई मूवी अगर आप देखो तो उसमें मास्टर्स एंड स्लेव्स का सिस्टम आपको इजीली वहाँ पर दिखाई देता है ठीक है एट द सेम टाइम ग्रीस में पेट्रियार थी यानी मेल को डोमिनेंस दिया जाता था मेल डोमिनेंट थे ग्रीस में यानी विमेन वर सब्जिकेटेड ठीक है मेल डोमिनेंस वॉज देयर एंड इट वॉज हेरारिकल ठीक है लोगों का एटीट्यूड का था ग्रीस के लोगों का इनके अंदर में एक सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी थी कि जो इनका कल्चर है वो सबसे ज़्यादा सिविलाइज है एंड दूसरे जो कल्चर्स हैं जैसे कि इंडियंस हैं बिकॉज ये एथनोसेंट्रिक पीपल हैं दे आर बारबेरियंस कि इनको सिविलाइज लाइफ जीने का तरीका नहीं आता दिस वॉज द थिंग दैट वॉज प्रेविलेंट इन ग्रीस ठीक है तो एथंस किस टाइप का था अभी मैं आपको प्लेटो के बारे में इसके बाद डायरेक्टली बताऊंगी लेकिन अभी आपको ये जानना जरूरी है कि सिटी स्टेट था जैसे गांधी ने विलेज रिपब्लिक की बात की थी वैसे ही उस टाइम पे यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन थी ठीक है अब एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं जब भी हमें कोई भी पॉलिटिकल थिंकर कवर करना होता है तो सबसे पहले जैसे कि प्लेटो को हमें कवर करना है आज प्लेटो पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है हमें फाउंडेशन ले करनी होती है पॉलिटिकल साइंस की इसी टॉपिक के साथ में तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है फाउंडेशन कम से कम अगर हम बना लेंगे आज तो हमारे फ्यूचर लेक्चर्स में इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ठीक है तो प्लेटो में सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमें ये जानना कि इनका टाइम एंड स्पेस क्या है किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनका टाइम एंड स्पेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड स्पेस का मतलब क्या है टाइम एंड स्पेस का मतलब है दैट वी शुड नो कि कौन सा टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे एंड कहा वेन एंड वेयर किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को कवर करेंगे तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है नेक्स्ट इज हमें इनकी मेथडोलॉजी भी पता होनी चाहिए मेथडोलॉजी मतलब कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज़ किया इन्होंने कौन सी ऐसा मेथड यूज़ करके अपनी थ्योरीज को ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं ये प्रूव करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज मेथडलॉ मेथडोलॉजी के अलावा हमारे पास में जो हमें कवर करना होता है प्लेटो में दैट इज कि प्लेटो की लाइफ क्या थी मतलब इनकी जो लाइफ थी कौन कौन से मेजर मेजर इवेंट्स हुए किन किन लोगों से इन्फ्लुंस थे हमें ये जानना ज़रूरी है देन हमें पता होना चाहिए प्लेटो के बारे में कि प्लेटो ने कौन कौन सी थ्योरीज दी थ्योरीज दी कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरीज ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ठीक है नेक्स्ट इज वी हैव टू ऑल्सो कवर इन प्लेटो की बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं प्लेटो ने बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं थ्योरीज बहुत सारी हैं ठीक है एक एक करके हम थ्योरीज की भी बात करेंगे आज तो सारी थ्योरीज कवर नहीं हो पाएंगी लेकिन ये थ्योरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट बेस अगर हमारा आज बन जाएगा तो थ्योरीज को समझने में हमें बहुत आसानी होगी देन नेक्स्ट हमें क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करना होता है पॉलिटिकल थिंकर का कि कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर को उसके बाद हमें इवैलुएशन करना होता है मतलब एज अ पॉलिटिकल थिंकर ये कैसे थे जिस भी पॉलिटिकल थिंकर को हम स्टडी करेंगे उनका इवेलुएशन भी करेंगे कि क्या ये फेमिनिस्ट थे क्या ये कम्युनिस्ट थे क्या ये टोटालिटेरियन स्टेट को प्रमोट कर रहे थे और क्या फिर ये 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 भी बोल सकते हैं कि ये फासिस्ट थे कि नहीं ठीक है इवेलुएशन होता है इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलासफ़ी भी कहा जाता है प्लेटो को तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन रियलिटी क्या ये सच में उस टाइटल पे खरे उतरते हैं वेदर ही इज़ द फादर ऑफ political फिलोसफी और नॉट ठीक है साथ ही साथ हमें इनका ओरिएंटेशन पता होना चाहिए से ओरिएंटेशन इसका मतलब है कि इनकी जो नेचर थी मतलब ये आइडियलिस्ट थे या ये रियलिस्ट थे ठीक है आइडियलिस्ट रियलिस्ट या फिर ये मॉडरेट हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए ठीक है या मार्क्सिस्ट हैं कौन सी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे तो जो प्लेटो थे वो आइडियलिस्ट थे आइडियलिस्ट कौन लोग होते हैं आइडियलिस्ट वो लोग होते हैं जो क्या होना चाहिए उस पर फोकस करते हैं क्या होना चाहिए दैट मीन्स दे फोकस ऑन व्हाट ऑट टू बी दे फोकस ऑन दैट व्हाट ऑट टू बी रियलिस्ट फोकस करते हैं वट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट वाट इज द फोकस अपॉन वट इज़ ठीक है और मॉडरेट्स के आइडिया में वो टॉट टू बी वट इज दोनों होगा बट इन मॉडरेशन होगा एक बैलेंस होगा मॉडरेट में एरिस्टोटल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेटो के बाद में उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एरिस्टोटल थे वो बैलेंस थे अभी तक मैंने जितना आपको समझाया वो समझ में आया ठीक है ओके okay. सो so, अब बात करते हैं प्लेटो की शुरुआत करते हैं वे ऑफ लाइफ मैंने बताई दी है कि एग्रीगेरियन सोसाइटी थी एग्रीकल्चर प्रेवेलेंट था स्लेवरी सिस्टम था मास्टर्स एंड स्लेव्स में क्लास डिवाइडेड थे देन इनक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी क्योंकि मास्टर्स बहुत रिच होंगे स्लेव्स बहुत पुअर होंगे इनक्वालिटीज बहुत ज्यादा थी एंड पेट्रियरिकल सिस्टम था यानी मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी मेल डोमिनेंस दैट इज पेट्रियरिकल ये थी वे ऑफ लाइफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अब शुरुआत करते हैं प्लेटो की प्लेटो की टाइमलाइन क्या है टाइमलाइन याद रखनी है आपको हर एक पॉलिटिकल थिंकर की टाइमलाइन जरूरी है स्पेशली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में जब भी हम कवर करेंगे हर एक की टाइमलाइन हम जरूर कवर करेंगे वेदर इट इज़ एरिस्टॉटल वेदर इट इज़ प्लेटो कोई भी टॉपिक हो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लेटो की जो टाइम थी दैट इज फोर टू थ्री फोर्टी सेवन ई दैट इज बिफोर कॉमन एरा प्लेटो का जो बर्थ हुआ था वो एरिस्टोक्रेटिक एथेनियन फैमिली में हुआ था यानी एथेंस की एक फैमिली थी इनके जो मदर थी इन्होंने दूसरी शादी की थी अपनी और जो दूसरे उनके हस्बैंड थे बिकॉज प्लेटो के फादर की डेथ हो गई थी तो जो प्लेटो के स्टेप फादर होंगे वो पब्लिक लाइफ का पार्ट थे यानी वो ब्यूरोक्रेट या मिनिस्टर्स में से थे ठीक है मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे जब प्लेटो का बर्थ हुआ था उस टाइम पे एक वॉर चल रही थी पेलोपिनेशियन वॉर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वॉर का जो इफेक्ट है वो प्लेटो पे बहुत ज़्यादा होगा जो प्लेटोस की थ्योरी है, वो इसी वॉर की वजह से निकल के सामने आएंगी क्योंकि ये जो वॉर था पेलोपिनेशन वॉर ये ट्वेंटी एट ईयर्स तक चला था दिस वॉर बिगैन इन फोर थर्टी वन बी सी ई एंड दिस डिड नॉट एंड अंटिल 404 BCE तो 28 सालों तक पेलोपिनेशियन वॉर चला पेलोपिनेशियन वॉर किन किन आ, राज्यों के बीच में था किन सिटी स्टेट्स के बीच में था समबडी इज आस्किंग कि क्लास कब तक चलेगी देखिए अभी इट इज 79 तो 732 तक एक घंटे की क्लास है ये 732 तक चलेगी ठीक है तो पेलोपनेशियन वॉर में कौन कौन फाइट कर रहा था एक तो था एथेंस जहाँ से प्लेटो बिलोंग करते हैं तो इट वॉज अ फाइट बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टास स्पार्टास के साथ में वॉर चल रही थी जब प्लेटो का बर्थ हुआ उस टाइम के अराउंड में तो एथेंस और स्पार्टास के बीच में वॉर चल रही थी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉर जब ये वॉर एंड होगी 404 जीरो में तो कौन जीत करके आएगा हु विल विन दिस वॉर इट विल बी स्पार्टास स्पाटास ठीक है देखिए बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मैं डाउट तो अभी नहीं ले सकती बट या मैं थोड़ा सा अभी आपको समझा रही हूं एट दी एंड लास्ट के दो तीन मिनट में मैं डाउट ले लूंगी ठीक है तो स्पाटास ये वॉर जीत जाएंगे तो जब स्पाटास जीतेंगे तो यानी एथेंस ये वॉर हार गया तो स्पाटास जब ये वॉर जीतेंगे तो स्पाटास एक पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे एथेंस में पपेट गवर्नमेंट तो जो एथेंस में जो पब्लिक मिनिस्टर्स थे प्लेटो के जो स्टेप फादर थे वो पब्लिक लाइफ में थे एंड बिकॉज प्लेटो की जो मदर की साइड मेटर्नल अंकल्स थे यानी उनके मामा जो थे वो भी पब्लिक लाइफ का पार्ट थे इसके चलते प्लेटो को भी आगे पब्लिक ऑफर आएगा ऑफर कि वो भी ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिक्स को ही कैन बी अ ब्यूरोक्रेट ओके और अ मिनिस्टर ऐसा ऑफर आया लेकिन प्लेटो ने ये ऑफर डिनाई कर दिया प्लेटो ने ये ऑफर क्यों डिनाई किया क्योंकि प्लेटो एक आइडियलिस्ट है प्लेटो को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि एथेंस वॉर में हार गया ठीक है प्लेटो के पॉलिटिकल एम्बिशंस थे आप अगर इंडिया से बिलोंग करते हो तो अगर इंडिया किसी वॉर में हार जाएगा आप उसके सिटीज़न हो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि इंडिया क्यों हारा आप चाहोगे कि इंडिया एक स्ट्रांग स्टेट बने सिमिलरली प्लेटो को भी ऐसा ही लगा कि एथेंस क्योंकि हार गया था कि मैं ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम तो कभी ज्वाइन नहीं करूँगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे एक पॉलिटिकल स्ट्रांग स्टेट चाहिए मैं मेरा ये रहेगा ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से एथेंस को एक स्ट्रांग पॉलिटिकल स्टेट बनाया जा सके इसीलिए प्लेटो डिनाई कर देंगे कि मैं एथेंस की पॉलिटिकल लाइफ में एंटर नहीं करूँगा ठीक है ये हुआ था प्लेटो के साथ में अब क्योंकि प्लेटो डिनाई कर देंगे पब्लिक ऑफर को और प्लेटो क्योंकि उनके पॉलिटिकल एंबिशंस थे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्लेटो क्या करेंगे प्लेटो इन्फ्लुएंस होंगे सॉक्रेटिस से सक्रेटिस कौन थे सॉक्रेटिस टीचर थे प्लेटो के इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इसीलिए लिए प्लेटो इनके डिसाइपल बन जाएंगे इनके स्टूडेंट बन जाएंगे और इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे इनके साथ रहेंगे इनसे काफ़ी नॉलेज एक्वायर करेंगे ठीक है अब प्लेटो ने क्या रीज़न दिया था कि वो क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे प्लेटो का रीज़न ये था कि एथेंस में बहुत ज़्यादा करप्शन है प्लेटो के जितने भी थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर वो सभी थ्योरीज इसी चीज़ पे बेस्ड हैं कि प्लेटो चाहते थे कि एथेंस को किस तरीके से आइडियल स्टेट बनाया जाए वेरी इम्पॉर्टेंट देर इज अ थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक आइडियल स्टेट क्योंकि इनका कोर जो ऑब्जेक्टिव था प्लेटो का वो ये था कि एथंस को किस तरीके से आइडियल स्टेट बनाया जाए एक ऐसा स्टेट जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो एक ऐसा स्टेट जिसको कभी हराया ना जा सके जहाँ जस्टिस हो जहाँ पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि प्लेटो को पता था कि एथंस एक आइडियल स्टेट नहीं है क्योंकि एथंस में करप्शन बहुत ज़्यादा थी इसीलिए लिए प्लेटो ने ये चीज़ पता करी कि डिजीज़ क्या है एथेंस में डिजीज है कि करप्शन बहुत है एथेंस में जब तक करप्शन रहेगी एथेंस स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं बन पाएगा करप्शन क्या है करप्शन इज़ कि जब आप अपने प्राइवेट एंड्स के लिए पब्लिक ऑफिस का यूज़ करते हैं जब आप उस ऑफिस का यूज़ करते हैं उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए उस ऑफिस का यूज़ नहीं होना चाहिए इट कम्स अंडर करप्शन और एथेंस में यही हो रहा था बहुत ज़्यादा करप्शन थी जो उनका टाइप ऑफ सिस्टम था चाहे वो एजुकेशन का सिस्टम हो वो फ्लॉड था तो इसीलिए प्लेटो बहुत सारी थ्योरीज देंगे कि किस तरीके से एथेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और करप्शन क्यों थी प्लेटो ने बोला क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है करप्शन इसलिए थी क्योंकि लोग इग्नोरेंट थे समझे लोग इग्नोरेंट थे तो प्लेटो का प्रपोजल क्या था फिर प्लेटो ने यह कहा था कि जब तक एक फिलोसोफर किंग राजा नहीं होता एक ऐसा राजा जिसके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज हो जिसको ये पता हो कि पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए मनी इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तब तक एथेंस एक आइडियल स्टेट नहीं बन सकता इसीलिए प्लेटो का जो कोर कंसर्न था वो आइडियल स्टेट में था और प्लेटो सॉक्रेटिस के अंडर में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे अब प्लेटो की लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ ये सॉक्रेटिस है ही वाज़ द टीचर ऑफ प्लेटो सबसे बड़ा इवेंट ये था कि सॉक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया गया 399 नाइन्टी में टाइमलाइन क्या है 427 टू 347 फोर्टी सेवन दिस इज द टाइम ऑफ प्लेटो और प्लेस क्या है प्लेस इज एथेंस एथंस कहां पर है एथेंस ग्रीस में है ये टाइम लाइन है ये टाइम इन स्पेस हमने समझ लिया अभी हम समझ रहे हैं लाइफ ऑफ प्लेटो को तो एक इवेंट क्या हुआ था इसमें इवेंट ये हुआ था कि 399 BCE में जो उनके टीचर थे सॉक्रेटिस इनको एग्जीक्यूट किया गया ही वॉज फोर्स टू ड्रिंक पॉइजन इनको फोर्स किया गया कि ये जहर पी लें ठीक है तो जब इनको एग्जीक्यूट किया गया इनके टीचर को आफ्टर दैट प्लेटो को बहुत ज़्यादा डर लगा अपनी लाइफ के लिए सो फेयरिंग फॉर हिज ओन सेफ्टी प्लेटो एथन्स छोड़ करके चले जाएंगे एंड ही विल गो टू इटली सिसली एंड इजिप्ट ऐसी जगहों पे ट्रैवल करेंगे उसके बाद ग्यारह साल बाद प्लेटो दोबारा वापस आएंगे एथंस में इन थ्री एटी दोबारा वापस आएंगे और जैसे ही वो एथेंस में वापस आएंगे ये एक अकेडमी एस्टैब्लिश करेंगे ऐसी अकेडमी में एथेंस बहुत कुछ पढ़ा रहे थे जैसे पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा रहे थे फिलोसफी मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी ये सभी सब सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा रहा था इस अकेडमी में तो 388 एटी से जब ये वापस आएंगे तो अकेडमी जो कि फर्स्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी कही जाती है इसको फाउंड करेंगे ठीक है एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड किसने किसने एग्जीक्यूट किया था जो गवर्नमेंट थी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो एथेंस में उसने क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा थी इन्होंने एग्जीक्यूट किया था सोक्रेटिस को ठीक है समझ आया अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जीक्यूट किया था लेकिन किस रीजन पे एग्जीक्यूट किया गया था है ना किस रीजन पे वाई ही वॉज एग्जीक्यूटेड तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको एग्जीक्यूट किया गया था दो रीजन पे पहला रीजन था एमपिटी एमपिटी एंड दूसरा रीजन था करप्शन ऑफ द यूथ करप्शन ऑफ यूथ दोनों का मतलब समझते हैं कि सोक्रेटिस को क्यों एग्जीक्यूट किया गया एमपिटी का मतलब होता है कि आप भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो सॉक्रेटिस नहीं करते थे सॉक्रेटिस बोलते थे क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ आई एम अ वेरी गुड मैन सो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं यू नो you know, भगवान की पूजा करूँ क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ तो भगवान मेरे साथ कभी गलत करेगा ही नहीं इसीलिए सॉक्रेटिस कभी किसी से डरते नहीं थे वो पॉलिटिकल या रिलीजियस लाइफ में जो रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करते थे एथेंस में उनमें कभी भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया ही अपियर्ड रिलीजियस ठीक है तो ये तो बहुत छोटा सा रीजन हुआ मेन रीज़न ये नहीं था इनका एग्जीक्यूशन का ऑल दो जो स्टेट ने रीज़न दिया था वो ये भी दिया था कि आप क्योंकि भगवान में विश्वास नहीं कर रहे हो जो पूरा स्टेट जिसमें रिलीजियस फेस्टिवल्स में इस तरीके से करता है आप उसमें बिल्कुल नहीं करते हो तो इसीलिए आपको एग्जीक्यूट किया जा रहा है दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न अनदर रीज़न जो सबसे मेन रीजन था वो था करप्शन ऑफ द यूथ इसमें क्या हो रहा था देखो इसको जानने से पहले कि इस इसमें क्यों उनको एग्जीक्यूट किया गया हमें ये जानना ज़रूरी है कि एथेंस में हो क्या रहा था एजुकेशन सिस्टम कैसा था एथेंस का ये इम्पॉर्टेंट है कैसा एजुकेशन सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली आज के प्रेजेंट टाइम में हमें दिखता है कि गवर्नमेंट uh, स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं ऐसे ही उस टाइम पे प्राइवेट एजुकेशन थी यानी अगर आपको एजुकेशन पानी है एथेंस में अगर इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एजुकेशन देन एजुकेशन आपको पैसे देकर के ही मिलेगी ठीक है पैसे देकर के स्टेट प्रोवाइड नहीं करता था एजुकेशन ग्रीस में प्राइवेट एजुकेशन थी ठीक है और ये प्राइवेट एजुकेशन कौन प्रोवाइड कर रहे थे ये प्रोवाइड कर रहे थे सोफिस्ट सोफिस्ट वर प्रोवाइडिंग दिस एजुकेशन सोफिस्ट कौन लोग थे सोफिस्ट जो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते थे ये मनी चार्ज करते थे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सोफिस्ट का कहना ये था ये इनकी जो टीचिंग्स थी ना अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस सोक्रेटिस मानते थे कि जिस तरीके से सोफिस्ट पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि सोफिस्ट ये बोलते थे कि मनी इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ये चीज पढ़ाते थे ये बच्चों को कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है आपके पास में पैसा होना चाहिए और पैसा आप कैसे कमा सकते हो सोफिस्ट बोलते थे पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करो पॉलिटिक्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है आप वहाँ से पैसा कमा पाओगे तो आपके पास में बहुत पैसा होगा आप बहुत खुश रहोगे तो एक तरीके से सोफिस्ट कर क्या रहे हैं सोफिस्ट प्रमोट कर रहे हैं इंडिविजुअलिज्म को करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं है ना है सोफिस्ट ये बोल रहे हैं कि अपने से मतलब रखो आपके पास में पैसा है तो आप खुश हो दूसरों के बारे में मत सोचो ये इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही थी उस टाइम पे अब सोक्रेटिस जब देखेंगे कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो ही बी अगेंस्ट इट वो इस चीज़ से खुश नहीं थे इसीलिए सोक्रेटिस ने यह बोला कि जो सोफिस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर प्रोमोटिंग इंडिविजुअलिज्म तो जो सोफिस्ट हैं वो यूथ का माइंड करप्ट कर रहे हैं आप सही तरीके की एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप यूथ का माइंड करप्ट कर रहे हो ये समझ में आया ठीक है ये चीज थी ये रीजन था कि सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया गया क्योंकि सोक्रेटिस ने बोला कि जो टाइप का आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो गलत है अब एक मैथडोलॉजी की पहले बात कर लेते हैं मेथडोलॉजी में मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर अगर हम कवर कर रहे हैं तो उनकी मैथडोलॉजी हमें जानना जरूरी होता है कि क्या मेथड अप्लाई किए उन्होंने थ्योरीज को प्रूव करने में ठीक है अब प्लेटो की मेथडोलॉजी उनके टीचर से इंस्पायर्ड थी टीचर कौन थे उनके सॉक्रेटिस सॉक्रेटिस से इंस्पायर्ड थे सॉक्रेटिस की मेथडोलॉजी थी डायलेक्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायलेक्टिक डायलैक्टिक ठीक है डायलेक्टिक का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन डिबेट जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूं मैं आपसे कुछ बोलती हूं आपको वो चीज लगती है कि मैं गलत बोल रही हूं तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये चीज तो गलत है सही चीज ये है तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि नहीं आपके हिसाब से ये चीज जो आप बोल रहे हो वो मेरे हिसाब से गलत है ठीक है आपके हिसाब से सही हो सकती है बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ तो हम क्या कर रहे हैं हम एक डिबेट कर रहे हैं है ना तो डायलेक्टिक इज अ डिबेट इट इज अ लॉजिकल आर्गुमेंटेशन समझे तो लॉजिकल आर्गुमेंट करेंगे हम एक दूसरे के साथ में तो सोक्रेटिस की मेथोडोलॉजी थी डायलेक्टिक कि अगर आपको सच्चाई पता करनी है तो डिबेट करो क्योंकि डिबेट करोगे तो आप प्रूव कर पाओगे कि दूसरा बंदा गलत बोल रहा है और या फिर आप जो बोल रहे हो वो भी गलत हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली डिबेट करते करते एट द एंड आपको सच्चाई पता चल जाएगी ये था मैथडोलॉजी सॉक्रेटिस का और सेम मैथडोलॉजी को प्लेटो ने अडॉप्ट किया तो प्लेटो की मैथडोलॉजी थी डायलेक्टिक ये वर्ड याद रखना है ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है देखो जब भी हम मेंस में आंसर लिखते हैं क्योंकि मेंस में तो आंसर लिखना होता है सब्जेक्टिव है ना पार्ट तो आंसर्स में आपके ना कुछ मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं अगर आप वो कीवर्ड्स नहीं लिखते हो तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है ठीक है तो कीवर्ड्स पे ज़रूर ध्यान दो कीवर्ड्स की डाइवर्सिटी होगी अलग अलग पॉइंट्स अगर आपके आंसर में प्रेजेंट रहेंगे आपका स्कोर अल्टीमेटली इम्प्रूव होगा यूजुअली स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा क्यों नहीं आता है द रीज़न इज़ क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस करते हैं कंटेंट की क्वांटिटी पे बड़ा बड़ा आंसर लिख देंगे पैराग्राफ में लिख देंगे लेकिन जो कोर आइडिया होगा एक या दो ही आइडिया दे पाएंगे उसमें तो एक या दो आइडिया दोगे तो आपको फिर नंबर भी एक ही दो एक या दो ही मिलेंगे तो इसीलिए फोकस करो क्वालिटी पे नंबर ऑफ वर्ड लिमिट पे मत जाओ क्वालिटी प्रोवाइड करो तो ये जो कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने आंसर में ये मेंशन करोगे इफ़ द क्वेश्चन इज आस्ट देन आपको इस चीज का सिर्फ इस एक की वर्ड का ऑब्वियसली सेंटेंस में लिखना है लेकिन बिकॉज यू आर राइटिंग दिस यू विल गेट वन मार्क्स फॉर इट सिमिलरली रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो चीजें होती हैं यू विल गेट वन मार्क्स फॉर दैट ठीक है ओके सो डायल्टिक समझ में आया क्योंकि सोक्रेटिस इस तरीके की बात कर रहे थे कि जो आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो वो गलत है तो अब क्या होगा अब नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि सोफिस्ट ये बोलेंगे कि चलो ठीक है आप जो बोल रहे हो मान लेते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं लेकिन फिर ये बताओ कि क्या चीज़ होनी चाहिए जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो फिर क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए इफ मनी इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या हो रहा है अभी सोक्रेटिस एंड सोफिस्ट के बीच में डायलॉग हो रहा है सोफिस्ट बोलेंगे कि आपको नहीं पसंद आया जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप बताओ कि क्या होना चाहिए फिर ठीक तो है तो सोक्रेटिस बोलेंगे कि मनी इज़ नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नॉलेज इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस अगर आपको नॉलेज है तो आपकी लाइफ खुश रहेगी मतलब आप खुशी से अपनी लाइफ जियोगे okay, ठीक है तो सोफिस ने फिर से क्वेश्चन किया सोफिस ने बोला कि अच्छा ठीक है अगर नॉलेज uh, ही इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस देन प्लीज टेल मी दिस थिंग कि नॉलेज है क्या व्हाट एग्जैक्टली इज नॉलेज ठीक है व्हाट एग्जैक्टली इज नॉलेज सो नॉलेज इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नॉलेज इज वाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ मतलब अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है दैट इज नॉलेज वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड लाइफ दैट इज़ अ नॉलेज नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि कित आप किताबें खोलो आपको ये पता हो कि रशिया का क्लाइमेट कैसा है या ऐसा नहीं वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड लाइफ क्या आप ऑनेस्ट होने चाहिए या कौन सी मतलब आपको जस्टिस होना चाहिए आपके पास में दैट इज नॉलेज सबके पास में यू नो इक्विटेबल रिसोर्सेस होने चाहिए मे बी दैट इज नॉलेज ठीक है सो नॉलेज इज वॉट कॉन्स्टिट्यूट गुड लाइफ क्योंकि नॉलेज तो फिर नॉलेज में क्योंकि इसमें ना फोकस मनी पे तो नहीं किया जाता तो आप सोफिस बोलेंगे कि अच्छा ठीक है देन प्लीज हमें ये बताइए कि ये जो आप नॉलेज की बात कर रहे हैं ये आपको कहाँ मिलेगी वेयर कैन यू फाइंड दिस नॉलेज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर कैन यू फाइंड दिस नॉलेज तो सॉक्रेटिस बोलेंगे कि नॉलेज आपको अपनी सोल में से मिलती है अपनी सोल में से नॉलेज इज इनहेरेंट विद इन योर सोल ठीक है नॉलेज इज इन्हरेंट विद इन द सोल यानी मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है मैं अभी आप अभी तो कुछ नहीं पता है सपोज आई एम आस्किंग यू समथिंग की आर यू अंडरस्टैंडिंग इट सपोज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि आपको समझ आ रहा है तो आप उसका आंसर किस बेसिस पे दोगे आपकी सोल से आपको आंसर मिलेगा कि हाँ मुझको समझ में आ रहा है या मुझको नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ड अपॉन दैट आपकी सोल आपको सो नॉलेज इज विद इन योर सोल फ्रॉम देअर नॉलेज कैन बी फाउंड तो अब सोफिस ने बोला कि अच्छा सोल में से मिलती है तो सोल को कैसे सुने हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सोल क्या बोल रही है हमको तो सॉक्रेटिस बोलते हैं कि सोल को अगर आपको सुनना है तो विद द हेल्प ऑफ रीजन लॉजिक लगा करके आप अपनी सोल को सुन सकते हो रीजन या लॉजिक लगा करके अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा कि चलो रीजन कहाँ से आएगा सोल के पास में रीजन आएगा कहाँ से कैसे सोल जवाब देगी आपको रीजन के थ्रू लेकिन रीजन कहाँ से डेवलप होगा रीजन डेवलप होता है डायलैक्टिक से डायलेक्टिक से यानी डिबेट करके जैसे कि मान लीजिए आप यू you नो know, सड़क से जा रहे हो अपने फ्रेंड के साथ में ठीक है आप अपने फ्रेंड के साथ में जा रहे हो तो एक छोटा सा बच्चा है तीन चार साल का ही इज़ एन ऑफ़न ठीक है उनके उसके मम्मी पापा नहीं हैं एंड ही इज़ वेरी पुअर ऑल्सो एंड ही इज़ ऑफ़न उन्होंने लेट्स uh, कि इस बच्चे ने दो तीन दिन, दिन से कुछ नहीं खाया है ठीक है एंड ही इज़ कमिंग एंड आपको बोलते हैं कि uh, मतलब uh, मुझको भूख लगी है प्लीज़ हेल्प मी या तो मुझे कुछ खाने को दे दो या फिर थोड़े से पैसे दे दो सो दैट आई कैन बाय समथिंग तो आप क्या डिसीजन लोगे आप सबसे पहले आर्ग्यूमेंट करोगे अपने साथ में ठीक है आपका आर्ग्यूमेंट होगा आप ये सोचोगे कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि बेस्ड अपॉन दिस क्योंकि छोटा बच्चा है आप रीज़न देखो रीज़न लेके आ रहे हो बिकॉज ही इज़ अ ही इज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड बिकॉज ही इज अ चाइल्ड ही इज़ थ्री फोर ईयर्स ओल्ड एंड ही इज़ एन ऑफन क्योंकि मॉम डैड भी नहीं है इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है तो आई शुड हेल्प हिम तो डायलेक्टिक कर रहे हो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो ठीक है अपने साथ ही तो आर्ग्यूमेंट करके रीजन डेवलप हुआ आप रीजन लेकर के आए कि ये ये रीजन है तो आपकी सोल आपको अब आप जवाब देगी कि हाँ आपको हेल्प करना चाहिए ठीक है तो दैट इज डायलेक्टिक डायलेक्टिक इज द लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन ठीक है ये बोला था सोक्रेटिस ने कि हमको नॉलेज के पीछे भागना चाहिए पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए तो अगर नॉलेज सोल से ही मिलती है तो सोफिस ने बोला फिर टीचर की क्या जरूरत है आपको सब चीज़ें तो अपने सोल से पता चल जाती हैं तो फिर टीचर की क्या रोल हुआ तो सॉक्रेटिस बोलेंगे कि देखो टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है रोल ऑफ टीचर विल बी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ऐसी डिबेट स्टार्ट कर सके इनिशिएट कर सके ऐसी डिबेट्स मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं वन इज़ एंड स्टूडेंट इज़ बी ठीक है तो बोथ द स्टूडेंट्स आर देयर तो टीचर इनके बीच में एक डिबेट स्टार्ट करेंगे टीचर बोलेंगे ए को कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए एंड बी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग तो इनके बीच में डिबेट होगी दोनों के बीच में तो डिबेट के थ्रू सॉक्रेटिस मानते हैं दैट यू कैन कन्वर्ट योर पर्सनल बिलीवस इन टू प्योर नॉलेज आपके जो भी बिलीफ हैं आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो जो बिलीफ है आपके वो प्योर नॉलेज अल्टीमेट नॉलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं इसीलिए टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो सोक्रेटिस के द्वारा थ्योरी ऑफ नॉलेज दी गई वो बेस किस पे थी रीज़न पे बेस थी सोल पे बेस थी कि हमारी सोल में ही नॉलेज है पैसे के पीछे मत भागो किसके पीछे भागो नॉलेज के पीछे जब ऐसी चीज़ें हो रही थी जो सोफिस्ट थे जो कि प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते थे क्योंकि उस टाइम पे सोफिस्ट बोलते थे कि मनी इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और उन्हीं के चलते उनके काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट रहे होंगे जो कि पब्लिक लाइफ का पार्ट रहे होंगे जो मिनिस्टर्स होंगे गवर्नमेंट में उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो लोग करप्ट थे तो इसीलिए वो सॉक्रेटिस को एग्जीक्यूट करेंगे इस बेसिस पे कि सॉक्रेटिस यूथ का माइंड जो है वो करप्ट कर रहे हैं ठीक है तो सोक्रेटिस की इस तरीके से उनको एग्जीक्यूट किया गया एंड प्लेटो इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो ने कौन कौन सी बुक लिखी थी अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना प्लेटो ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक इसका नाम आपको याद रखना है अभी तक हमने देखा टाइम एंड स्पेस क्या है पॉलिटिकल थॉट कहाँ से स्टार्ट हुआ हमने देखा कि पॉलिटिकल थॉट में लाइफ हमने डिस्कस की प्लेटो की किससे इन्फ्लुएंस थे अभी सिर्फ एक ही पर्सन की हमने बात की है दैट इज सॉक्रेटिस दर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक पाइथागोरस लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनसे हर्सिलाइटस जिनसे यू नो प्लेटो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे तो प्लेटो के बुक का नाम याद रखना है द रिपब्लिक किसी भी पॉलिटिकल थिंकर की बुक का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है जैसे कि प्लेटो ने बुक लिखी है द रिपब्लिक द लॉज भी लिखी है स्टेटमेंट्स भी लिखी है ऐसे ही एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स नाम की एक बुक लिखी है मैकेवली ने द प्रिंस नाम की बुक लिखी है सब पॉलिटिकल थिंकर्स की बुक का नाम पता होना चाहिए ठीक है देन इन्फ्लुएंस किस किसका था इन पर सॉक्रेटीज का इन्फ्लुएंस था सॉक्रेटीज उनके टीचर उनके मेंटर थे इनके आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो नेक्स्ट जो है वो है पाइथागोरस आई एम श्योर आपने पाइथागोरस के बारे में सुना है पाइथागोरस इज सेम पाइथागोरस थ्योरम जो हमने टेंथ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ी है सबने वही पाइथागोरस की बात कर रही हूँ मैं जिन्होंने वो पाइथागोरस थ्योरम दी थी वही पाइथागोरस हैं इन्होंने एक और अपनी थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ सोल्स थ्योरी ऑफ सोल में क्या था थ्योरी ऑफ सोल इन्होंने दी जो पाइथागोरस से ही इन्फ्लुएंस्ड है एक्चुअली प्लेटो की पाइथागोरस ने दी थी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स थ्योरी ऑफ यूनिवर्स पाइथागोरस ने बोला था कि ये जो यूनिवर्स है ये दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है एक तो है फिजिकल यूनिवर्स यानी जिसको आप छू सकते हो द टेबल द पेन दैट यू सी हेयर ठीक है एवरी थिंग इज फिजिकल देन देयर इज अ स्पिरिचुअल यूनिवर्स ठीक है एक है स्पिरिचुअल यूनिवर्स इसी से इन्फ्लुएंस होकर के प्लेटो थ्योरी ऑफ यूनिवर्स से बहुत इन्फ्लुएंस थे पाइथागोरस की तो प्लेटो इसी से इन्फ्लुएंस होकर के थ्योरी ऑफ सोल देंगे प्लेटो बोलेंगे कि जिस तरीके से ये, इस यूनिवर्स के दो कंपोनेंट हैं एक इंसान के मैन के भी दो कंपोनेंट हैं यानी एक तो है मैन की बॉडी ठीक है और दूसरा है मैन की सोल तो प्लेटो इस सोल पे बहुत फोकस करते हैं प्लेटो आइडियलिस्ट थे ना तो प्लेटो बोलते हैं सोल तीन टाइप की होती है मतलब सोल में तीन एलिमेंट्स होते हैं सोल में तीन टाइप के एलिमेंट मिलते हैं रीजन करेज एंड एपिटाइट यानी अगर आप अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आपका एपिटाइट एलिमेंट डोमिनेंट है दूसरा है करेज अगर आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो आपको डर नहीं लगता है तो आपकी सोल में करेज एलिमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है एंड रीज़न का मतलब है लॉजिक आपके पास में रीजन रीज़न डोमिनेंट है लॉजिक है अगर आपके पास में तो प्लेटो बोलते हैं आपको रूलिंग क्लास का पार्ट होना चाहिए आपको फिलासफ़र बनना चाहिए क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेज़ है कारेज है आपके पास में आपको डर नहीं लगता है तो आपको सोल्जर क्लास का पार्ट होना चाहिए आपको मिलिट्री में पार्ट लेना चाहिए देन एपिटाइट एपिटाइट का मतलब होता है डिजायर्स आप अपने डिजायर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आपको प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट होना चाहिए आपको मर्चेंट बनना चाहिए आपको बिजनेसमैन बनना चाहिए तो सोल के एलिमेंट के बेस पे पूरी सोसाइटी उसको डिवाइड करेंगे प्लेटो ठीक है क्लियर अगले जो थे वो थे हर्सिलाइटस। हर्सिलाइटस ने कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज दिया था इनसे इन्फ्लुएंस थे प्लेटो एंड सिमिलरली देर इज अनादर वन प्रोमेनेडस। इनसे भी इन्फ्लुएंस हो गए। इनका कॉन्सेप्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ पर्मानेंस अब कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज कॉन्सेप्ट ऑफ पर्मानेंस ये सब हम चीज़ें बाद में बात करेंगे बिकॉज uh, आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे दिस इज द फाउंडेशन ऑफ प्लेटो किन किन से इन्फ्लुएंस थे एंड uh, कौन कौन सी बुक्स थी क्या क्या लाइफ थी आई एम श्योर दैट आपको पसंद आया होगा ये क्लास अगर आपको आया है तो प्लीज़ कॉमेंट एंड कोई इशू अगर आपको हो इससे रिगार्डिंग सो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई अन प्रोफाइल uh, लिंक ठीक है आशना से सो दिया इज माई नेम देयर यू कैन रीच आउट टू मी कोई भी इश्यू हो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से या इंटरनेशनल रिलेशन से एनी इश्यू इज देअर देन यू यू कैन लेट मी नो अबाउट इट ठीक है सो दिस इज इट फॉर टी डेज क्लास थैंक यू वेरी मच बाय बाय